हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चौथी जमात का हिस्सा अव्वल माहौल का मुताला। यहाँ पर आपको फहरिस्त दी हुई है जिसमें पहला सबक है हैवानात का दौरे हयात। तो देखते हैं पहला सबक हैवानात का दौरे हयात। बताइए तो भला, कुत्ते के पिल्ले और इनकी माँ को देखिए, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है? आप यहाँ देख सकते हैं इस तस्वीर में, यहाँ पर यह है कुत्ता और यह है कुत्ते के पिल्ले। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या है, एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है, इनमें हमें यकसानियत नज़र आती है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, तितली और अंडे से निकले हुए लार्वे को देखिए, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है तितली। तो जो तितली और जो लार्वे से जो इसके बच्चे निकलते हैं तितली के, इनमें भी क्या है, यकसानियत पाई जाती है। बताइए तो भला, मुर्गी अंडे देती है, इन अंडों से चूज़े निकलते हैं। हम देखते हैं मुर्गी के जो छोटे छोटे चूज़े होते हैं वो क्या होते हैं, मुर्गी की तरह ही होते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं बिल्ली है और ये है बिल्ली का बच्चा, क्या बिल्ली के बच्चे अंडे से निकलते हैं? हमें पता है बिल्ली अंडे नहीं देती, तो क्या है, बिल्ली के बच्चे अंडों से नहीं निकलते। हैवानात की नशोनुमा, बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बकरी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पाया जाता, बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं, माँ के पेट से इनकी पैदाइश होती है, ये हैवानात अंडे नहीं देते। लेकिन कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात अंडे देते हैं। हमें पता है, हमने खेतों में घरों में देखा है कि बकरी के बच्चे होते हैं, गाय के बच्चे होते हैं, इसी तरीके से घोड़े के भी बच्चे होते हैं। लेकिन जो कौवा है, मकड़ी है, गिरगिट है, ये जानदार क्या करते हैं, अंडे देते हैं। मुर्गी हो गई, ये भी क्या है, अंडे देती है, फिर इनमें से क्या होते हैं, इनके बच्चे निकलते हैं। अंडों से चूज़ों की पैदाइश, चूटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। आमतौर पर इनके अंडे हमें देखने नहीं मिलते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं, वो तो हमें आसानी से नज़र भी नहीं आएंगे, इसलिए हम इससे वाकिफ नहीं होते हैं कि ये हैवानात अंडे देते हैं या नहीं। तो हम जानते हैं कि कुछ जानवरों के अंडे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा हम देख सकते हैं, इसे हम खाते भी हैं। लेकिन कुछ जानदार ऐसे होते हैं जैसे कि चींटियाँ हो गई, तितलियाँ हो गई, मछलियाँ हो गई, इनके अंडे हमें देखने को नहीं मिलते। तो हमें क्या है, इससे पता नहीं चलता कि ये जानदार अंडे देते हैं या नहीं देते हैं। मुर्गी अंडे देती हैं। अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती हैं और अंडों को हरारत गर्मी पहुंचाती हैं। अंडों में चूज़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। हमें पता है कि अंडों पे क्या होता है, मुर्गी बैठती है और फिर इनसे क्या होते हैं, चूज़े नशोनुमा पाकर अंडे से बाहर निकल जाते हैं। नशोनुमा मुकम्मिल होने पर चूज़े अंडे के खोल तोड़कर बाहर निकल आते हैं। ज़रा बड़े होने तक मुर्गी चूज़ों का ख्याल रखती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं तस्वीरों में, ये पहले अंडे थे, फिर इन अंडों पर ये क्या हो गई, मुर्गी बैठ गई, फिर इन अंडों से ये क्या है, चूज़े निकल आए, और फिर क्या है, ये मुर्गी ये चूज़ों की देखभाल करती हैं। क्या आप जानते हैं, जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठी होती है, इस वक्त वो अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज अख्तियार कर लेती हैं। अंडों के पास किसी को जाने पर वो उसे मारने के लिए दौड़ती हैं। हमें पता है कि जब उसके बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करती हैं, बच्चों की हिफाजत करती हैं। और जब वो मुर्गी अंडों पर बैठती है उस वक्त भी क्या करती है, वो अंडों की हिफाजत करती है। आइए दिमाग पर जोर दें, मुर्गी और इसके चूज़ों में कौन कौन सी यकसानियत पाई जाती है। तितलियों में काया पलट,
खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियाँ हमारे माहौल ही का एक हिस्सा है। तितलियों की ज़िंदगी नबातात की खुरबत में गुजरती है। तितलियों की नशोनुमा के चार मराहिल हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा जिसे खौल भी कहते हैं, और बालिग। इनमें बालिग मरहला दौर को हम तितली कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तितली नज़र आ रही है। इनकी जो नशोनुमा के मरहले हैं वो कितने हैं? पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा जिसे खौल कहते हैं, और चौथा है बालिग। और तितली जो हमें नज़र आती है तो ये कौन से मरहले की है? ये बालिग मरहले की है। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती हैं। चितरंगी तितली की मादा रुई आक के पत्तों पर अंडे देती हैं। अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है इस पत्ते को भी कतर कर खा लेती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको सुंडी नज़र आ रही है जो क्या कर रही है, इस पत्ते पर बैठी हुई है। तो ये क्या करेंगी? फौरन इस पत्ते को खाना शुरू कर लेंगी, जिसकी वजह से इसकी नशोनुमा तेज़ी से होंगी। नया लफ्ज़ सीखिए, किंचली। जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफी होने वाला जिस्म का खिलाफ, इसे क्या कहते हैं? हम किंचली कहते हैं। इब्तदाई 2 से 2.5 दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म में किंचली इसके लिए नाकाफी हो जाती है। लेकिन इस किंचली के नीचे बढ़े हुए जिस्म पर जो नई किंचली बनती है वो ढीली होती है। अब पुरानी किंचली से सुंडी बाहर निकल आती है, इसे सुंडी का किंचली उतरना कहते हैं। इसे सुंडी का किंचली उतारना कहते हैं। सुंडी दोबारा तेज़ी से पत्ते खाना शुरू करती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेज़ी आती है। 2-2.5 दिन के बाद वो दोबारा किंचली उतार देती है। यानी क्या होता है? किंचली चढ़ती है फिर उतारती है, किंचली चढ़ती है फिर उतरती है। इस तरह वो 4 मरतबा किंचली उतारती है। कितनी मरतबा उतारती है वो? 4 मरतबा। चितरंगी किस्म की तितलियाँ 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती हैं। क्या होता है? 10-12 दिन सुंडी की हालत में रहती हैं। आखिरी मरतबा किंचली उतारने से पहले सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे से वो अपने आप को लटका लेती है। इस वक्त किंचली उतारते ही वो खौल में बंद हो जाती है। नशोनुमा का ये मरहला प्यूपा कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक तितली नज़र आ रही है। ये क्या कर रही है? तितली खौल से बाहर आती हुई, ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से तितली खौल से बाहर निकल रही है। खौल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन इसके जिस्म में अहम तब्दीलियाँ होती रहती हैं। यानी कि ये जो तितली नज़र आ रही है खौल से बाहर निकलती हुई, ये खौल में 11 या 12 दिन तक रह सकती है बिना कुछ खाए पिए। खौल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। इसके बाद पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बालिग तितली खौल से बाहर आती है। इस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो आपको बाहर तितली निकली हुई नज़र आ रही है ये क्या है? बालिग तितली है। और इसके क्या है? 6 लंबे पैर। पैर कितने हैं इसके? 6 हैं। और पर कितने हैं? 2-4 खूबसूरत पर होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा एक तरीक़े से होती है।
जितनी भी आपको तितलियाँ नज़र आती हैं इन सब की नशोनुमा क्या है, इसी तरीक़े से होती है। तो अब देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं ये तय होता है कि तितली की मादा किस नबात के पत्ते पर अंडे देंगी। मुख्तलिफ़ किस्म की तितलियों के अंडे से सुंडी के निकलने का अरसा मुख्तलिफ होता है। यानी कि क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो तितलियाँ अलग अलग इलाक़ों में जो अलग अलग तितलियाँ पाई जाती हैं, तो ये क्या है, अंडों से सुंडी निकलने का अरसा भी क्या होगा, जो ड्यूरेशन है ये भी क्या होगा, अलग होगा। सुंडियों में बहुत तनु होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की सुंडियाँ मुख्तलिफ़ रंगों की होती हैं। इनका जिस्म लंबूतरा होता है। कई सुंडियाँ के जिस्म पर बाल जैसे रेशे होते हैं। कई सुंडियों के जिस्म पर क्या होता है, बाल जैसे रेशे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपको कुछ रंग बिरंगी तितलियाँ नज़र आ रही हैं। कितनी खूबसूरत तितलियाँ हैं आप देख सकते हैं, ये नीले रंग की, ये पीले रंग की, और ये यहाँ पर आखिर में काले रंग की। क्या आप जानते हैं, साफ़ किया हुआ अनाज हम डब्बों में भर कर रखते हैं, इसके बावजूद कुछ दिनों बाद डब्बों के ढक्कन खोलने पर अनाज में कीड़े नज़र आते हैं। आप आपके घर में भी देख सकते हैं कि जब हम अनाज के डब्बे खोलते हैं तो हमें छोटे छोटे उसमें कीड़े नज़र आते हैं। अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान और हमारे घर जैसे किसी भी मकाम पर अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा ने अनाज में अंडे दे दिए हो तो हमें नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अनाज के डब्बों में मौजूद हवा और गर्मी इन अंडों की नशोनुमा के लिए काफ़ी होती है। हम देखते हैं कि जब हम डब्बे में अनाज रखते हैं तो डब्बे का ढक्कन तो हम अच्छे से लगाते हैं, लेकिन फिर भी कीड़े आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें मादा जो होती है, कीड़ों की मादा, वो क्या करती है, छोटे छोटे अंडे दे देती है जो हमें पहले नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो क्या, गर्मी और हवा की वजह से नशोनुमा पाकर अंडों से बाहर निकल आते हैं। इसलिए डब्बों में इनकी नशोनुमा होती रहती है। इनके भी अंडे सुंडी, लार्वे, प्यूपा, खौल और बालग ऐसे मरहले होते हैं। इनमें भी जैसे हमने तितली में मरहले देखे, इसी तरीके से इन कीड़ों में भी मरहले वैसे ही होते हैं। जब हम डब्बा खोलते हैं तब अनाज में कीड़े नशोनुमा की जिस मरहले में होते हैं वही मरहला हमें दिखाई देता है। यानी कि जैसे ही हम डब्बा खोलते हैं तो जो कीड़े हमें नज़र आते हैं तो वो जिस मरहले में होते हैं वही मरहला हमें दिखाई देता है। अब आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। मुर्गी के अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है, जिसे अंडे सीना कहते हैं। पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए चूज़े खोल तोड़कर बाहर आते हैं। जैसे हमने देखा था कि मुर्गी अंडों पर बैठती है और वहाँ से क्या करती है, अंडों को हरारत देती है, तो फिर क्या होते हैं, कुछ दिनों के बाद अंडों से चूज़े बाहर निकल आते हैं। तितलियों की नशोनुमा के चार मरहले हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा, बालग। चतरंगी तितली रुई के पत्तों पर अंडे देती है, अंडों से सुंडियाँ निकलती हैं। नशोनुमा मुकम्मल हो जाने के बाद सुंडी खौल के मरहले में दाखिल होती हैं। इस खौल से पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई तितली बाहर निकलती है। इस वक्त अच्छे छः लंबे पैर होते हैं और चार खूबसूरत पर होते हैं। इस तरह से हमने ये सबक, जिसका नाम था हैवानात का दौरे हयात, ये देख चुके हैं। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।